Next topic से आपके filter pump और atomizer, how they are the applications of Bernoulli equation, कैसे ये Bernoulli equation पे based हैं, कैसे काम करते हैं? Let's see. Filter pump is a device which is used to create partial vacuum in a vessel attached to it. इसका काम है अपने साथ attached vessel में partial vacuum create करना और ये force करेगी fluid को from the low pressure region to high pressure region. ये कैसे possible है? Let's see that in a diagram. So ये हमारे पास एक pipe है जिसमें fluid flow करता हुआ है और इस pipe के आगे हमने एक jet connect किया है. एक बहुत फाइन सी ओपनिंग है जिसे हम नोजल कहते हैं. नोजल कनेक्ट की है नोजल. दिस फाइन ओपनिंग इज कॉल्ड एज नोजल एंड द फॉर्म ऑफ फ्लूइड इमिटेड फ्रॉम द नोजल इज कॉल्ड जेट. अच्छा इसके साथ एक वेसल को अटैच करते हैं जहां पे हमने पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करना है. अच्छा लिसन, दिस इज द वेसल वेयर यू वांट टू क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम. बहुत आसान सी फिजिक्स है इसकी. लुक एट हियर, यहां से फ्लूइड फ्लो करता हुआ आएगा. अब इस रीजन में एरिया कम है तो वेलोसिटी, एरिया कम तो वेलोसिटी. फिर फर्दर जब फ्लूइड नीचे जाएगा, फ्लूइड नीचे जाएगा तो नीचे जाते हुए लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन है. वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज होगी. अच्छा वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से इस रीजन में प्रेशर, अ लो प्रेशर रीजन बिहेव्स लाइक अ सक्शन. यहां पे प्रेशर क्यों कम हुआ? क्योंकि यहां पे पार्टिकल्स की तादाद कम हो गई है. एयर पार्टिकल्स की तादाद कम हुई है तो यहां पे एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं. अब ये एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे? दे विल मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर. तो यहां पे जब ये फ्लूइड यहां से कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा तो इस रीजन से पार्टिकल्स ड्रा हो जाएंगे कि नहीं? Yes, यहां पे पार्टिकल्स की तादाद कम हो जाएगी तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? पार्शियल वैक्यूम, नॉट अ वैक्यूम बट अ पार्शियल वैक्यूम. समझ आई? अब इस रीजन में प्रेशर कम है, इस रीजन में प्रेशर, और यहां से फ्लूइड जब बाहर निकलेगा तो उस रीजन में प्रेशर ज्यादा होगा. तो फ्लूइड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो प्रेशर रीजन टू हाई प्रेशर रीजन और उसके साथ जो अटैच्ड वेसल है इसके साथ उसमें क्या क्रिएट हो गया? पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया है. समझ आ गई? ओके, एटमाइजर की तरफ आते हैं. लेट्स डिस्कस दिस एटमाइजर. अगेन यहां पर भी हमारे पास एक फाइन नोजल है और ये इसके साथ अटैच एक वेसल है. ये बार्बर के पास होगी अक्सर, ये स्प्रे बॉटल्स होती हैं. आप नोटिस करेंगे इसमें दो एंड्स हैं इस वेसल के, इस वेसल के दो एंड्स हैं. एक एंड ए है इस वेसल का, एक एंड बी है. द एंड बी इज डिप इनटू द फ्लूइड. एंड बी
फ्लूइड में डिप हुआ है और फ्लूइड इसमें कैपिलरी एक्शन की वजह से कुछ हाइट तक तो रेज हुआ होगा खुद ब खुद. अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज कि ये हमारे पास पंप है, रबर का होता है, तो हम इस पंप को जब प्रेस करेंगे तो इस रीजन में इस रीजन में जितनी भी एयर है वो हाई वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ेगी. yes, जब वो हाई वेलोसिटी के साथ आगे जाएगी तो आप नोटिस करो कि यहां से फास्ट मूविंग एयर गुजर रही है और इस रीजन में एरिया कम, तो इस रीजन में वेलोसिटी ज्यादा, तो इस रीजन में प्रेशर, प्रेशर कम होगा तो यहां से फ्लूइड अपवर्ड जाएगा, वो इस एयर के साथ मिक्स होके आगे बढ़ रहा है. yes, आगे बढ़ रहा है, तो जितना आगे जा रहा है एरिया कम हो रहा है. yes, और वेलोसिटी ज्यादा, तो ये एयर प्लस फ्लूइड का मिक्सचर, लिक्विड का मिक्सचर, दे आर फोर्स आउट फ्रॉम हेयर एट अ वेरी हाई स्पीड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बहुत हाई स्पीड के साथ इमिट होगा. इस फॉर्म ऑफ फ्लूइड को हम कहते हैं जेट. दिस फॉर्म ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड जेट. तो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यूं इजेक्ट हो जाता है. इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ऑटोमाइजर कहते हैं. तो अगेन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी. ठीक है, स्टॉप करते हैं.